हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीसीडी कोड क्या होता है। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें भी जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या होगा, बाइनरी का ही यूज होगा। लेकिन बाइनरी और बीसीडी में एक डिफरेंस ये होता है कि बाइनरी में हम ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें 4 बिट्स जरूरी है, कि हमें मिनिमम 4 बिट्स की जरूरत होगी ही। लेकिन बीसीडी में क्या होता है कि हमें मिनिमम एक जीरो भी है तो उसको हमें 4 बिट्स से ही रिप्रेजेंट करना है। मतलब जीरो को हम क्या लिखेंगे, सिंपली 0000। मतलब हमें जो भी नंबर है उसको 4 4 बिट्स की ग्रुपिंग की जाती है। आगे बड़े नंबर्स की कैसे ग्रुपिंग की जाएगी वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जीरो के लिए हम क्या लिखेंगे, 0000। इसी तरह से अगर बाइनरी में हम 1 को लिखते हैं 01, तो हम क्या करेंगे उसे बीसीडी में लिखने के लिए आगे यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे ताकि ये क्या बन जाए, 4 बिट्स बन जाए। इसका मतलब जो 4 बिट्स है वो हमारी क्या है, बीसीडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0001। इसी तरह से 2 को हम क्या लिखेंगे, 0010। इसके बाद इसको हम लिखेंगे 3 को 0011। फिर यहाँ पर 3 बिट्स तो ऑलरेडी है, एक और बिट यहाँ पर 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0100, ये 4 का। अब 5 के लिए 0101, फिर 6 के लिए 0110, 7 के लिए 0111, और इसके बाद 8 तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 बिट्स है तो ये 8 और ये 9 एज इट इज रहेगा। अब बात आती है कि 9 से अगर बड़े नंबर्स हो तो बाइनरी में हम क्या लिखते हैं, अगर 10 हो तो बाइनरी में यही चीज क्या हो जाएगी, 1010। लेकिन हम बीसीडी में इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। बीसीडी में जो हाईएस्ट नंबर होता है ये क्या होता है, मतलब 0 से लेकर 9 तक ही हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। अगर उसके बाद में अगर हमें कुछ लिखना हो, जैसे 10 है, तो अब 10 को हम क्या कर देंगे, इस तरह से स्प्लिट कर देंगे। पहले हम 1 का कोड लिखेंगे, 1 का क्या होता है, 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0001, तो 1 का हो जाएगा 0001, ये किसका हो गया, 1 का। इसके बाद 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, 0000, तो 0000, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, 10 का। मतलब 10 अगर डेसिमल में है तो उसको हम बीसीडी में क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से बाइनरी के कंपैरिजन में बीसीडी बहुत सिंपल होता है, क्योंकि अगर 23 है डेसिमल में तो इसको अगर हमें बाइनरी में लिखना है तो बकायदा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 23 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। लेकिन अगर इसी चीज को हमें लिखना है बीसीडी में तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का बीसीडी इक्विवेलेंट क्या होता है, 0010, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0010। अब अगर 3 है तो 3 का क्या होता है, 0011, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0011। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बीसीडी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब किसी भी बीसीडी को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी।